और अगर आप इस विंड के अंदर होते हो, अगर कोई भी एनिमी या फिर कोई भी बोट अगर आपके ऊपर फायर करने लगता है तो वो जो बुलेट आपके ऊपर नहीं लगेगा, वो जो विंड के ऊपर टकरा कर वहाँ पर ही गिर जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप किसी भी बोट या फिर किसी भी एनिमी को इसके अंदर से मार सकते हो, आपका जो बुलेट वो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर सामने वाला बंदा अगर आपके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है तो वो बुलेट जो वहाँ पर ही डॉच हो जाएगा। तो गई जा चुका हूँ नए वीडियो के साथ। तो PUBG Mobile के अंदर जो एक न्यू मोड आने वाला है जिसका नाम है रुइंस पावर मोड। तो आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को उसी मोड का कुछ गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, ये जो मोड अभी तक PUBG Mobile के अंदर आया नहीं। ये मोड PUBG Mobile का जो 1.2 का जो न्यू अपडेट आने वाला है उस अपडेट के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप अभी इस मोड को खेलना चाहते हो तो आप लोग जो PUBG Mobile का जो 1.2 का जो बीटा वर्जन उसको डाउनलोड करके खेल सकते हो। लेकिन अगर आप PUBG Mobile का जो 1.2 का जो बीटा वर्जन उसको अगर आप ओपन करना चाहोगे तो आपको जो वहाँ पर एक कोड चाहिए, तो वो जो कोड आपका जो ग्लोबल का आईडी है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि PUBG Mobile का जो 1.2 का जो बीटा वर्जन उसके अंदर बहुत कुछ न्यू चीज़ें आए हैं। तो उनके ऊपर भी मैं आगे जाके वीडियोस डालूंगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी चलते गाइस वीडियो की तरफ। तो गाइस ये जो रुइंस मोड है गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अगर आप जो कि स्पॉन आइलैंड के अंदर हो गए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको साइड की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। तो अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको तीन टाइप का चीज़ें देखने को मिल जाएगा, विंड रुइंस, फ्लेम रुइंस और आर्टिक रुइंस। तो गाइस यहाँ पर आपको तीन टाइप का चीज़ें देखने को मिल जाएगा और तीनों टाइप की चीज़ों के अंदर आपको कोई भी एक्सा सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये जो विंड रुइंस वो क्या चीज़ है और आप लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो आपको पहले इसको सिलेक्ट करके इन गेम के अंदर जाना होगा, यानी कि आपको मैप के अंदर उतरना होगा। और ये जो चीज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप जो इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर वीडियो के कुछ सीन मैंने कट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको वीडियो देखने में बोर हो। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख सो, ये जो मोड है इसका जो मतलब स्काई का जो कलर क्वालिटी भाई क्या ही ओपी लग रहा है देखने में। तो अभी मैं आप लोगों को नीचे उतर के आप लोगों को दिखा दूँ कि आप जो इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो मैं घटका के साइड उतर चुका हूँ और गाइस आप जिससे स्पॉन आइलैंड के अंदर से कोई सा भी एक विंड रुइंस या फिर फ्लेम रुइंस या फिर कुछ भी आप दूसरा जो आर्टिक रुइंस उसको सिलेक्ट करके आओगे, तो आपका जो हाथ आप लोग कैरेक्टर के हाथ देख सकते हो, उस कैरेक्टर के हाथ के ऊपर जो एक मतलब कि अलग सा एक जो कि आप लोग देख सकते हो बेल्ट का जैसे कुछ लग जाएगा, मतलब कि ये जो है वो आपका पावर है। तो आप जो पावर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक बॉट आ चुका है। तो आप जैसे इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे तो आप लोग देख सकते हो आपको मतलब कि आपके चारों तरफ से जो एक विंड के जैसा कुछ बन जाएगा। और गाइस अगर आप इसके अंदर होते हो तो अगर मान लीजिए सामने से कोई भी बंदा या फिर कोई भी बोट अगर फायर करता है तो वो जो गोली उसके अंदर नहीं जाएगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गोल सर्कल के जैसा कुछ बन जाएगा। भाई क्या ही ओपी लग रहा है देखने में। और गाइस ये जो चीज़ आप एक मतलब कि एक ही बार के अंदर, जैसे कि अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हो तो आप जो एक मिनट के बाद उसको यूज़ कर देते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो साइड की तरफ जो टाइमर चल रहा है वो जैसे वो टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो आप जो इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। और गाइस और एक चीज़ ये फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर से फायर करते हो तो वो जो गोली उसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसके बाहर से कोई भी बंदा या फिर आप भी इसके बाहर से फायर करते हो तो वो जो बुलेट वो उसके ऊपर से टकरा कर बाहर की तरफ गिर जाएगा। और गाइस ये जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गाइस अगर मान लीजिए जब भी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा तब गाइस अगर कोई भी स्क्वाड सामने होता है आप जैसे इसको यूज़ कर लोगे तो वो जो सामने वाला बंदा आपको फायर नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे गाइस आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आपका जो कैरेक्टर का साइड दोनों साइड की तरफ अलग सा रोशनी चमकेगा। यहाँ पर देखने लग रहा है कि भाई आपका जो कैरेक्टर वो बहुत ही तेज़ी भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपके कैरेक्टर के दोनों साइड की तरफ अलग सा रोशनी चमक जाएगा और आपका जो कैरेक्टर वो नॉर्मल जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर आप विंड के अंदर होते हो तो अगर कोई भी बंदा आपके ऊपर नेट वगैरह करता है तो वो आपके ऊपर आएगा या फिर उसके ऊपर से टकरा कर बाहर गिर जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा दूँ कि नेट वगैरह उसके अंदर जाता है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस विंड के अंदर जो यूएज है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नेट करके दिखा देता हूँ कि वो नेट जो इसके अंदर जाता है या टकरा कर बाहर गिर जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विंड के अंदर जो वो यूएज है, लेकिन मैं यहाँ पर नेट कर क्या वो जो डैमेज नहीं हुआ। जैसे गाइस अगर आप इसके अंदर होते हो तो आपके ऊपर कोई भी ना तो नेट कर पाएगा ना तो मोली कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइस सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर जो आप स्मोक कर सकते हो बाहर से।
तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस मोड के अंदर जो आपको दूसरा जो चीज देखने को मिलता है जिसका नाम है फ्लेम, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो गाइस ये जो चीज आपको वहां से यूज करके आना होगा यानी कि स्पॉन आइलैंड के अंदर से यूज करके आना होगा। अगर गाइस मान लीजिए आपके सामने बोट या फिर एनिमी वगैरह आ जाता है तो आपको जिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप जिस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने से मतलब एक राउंड शेप के जैसा कुछ ड्रम के जैसा कुछ सामने से चला जाएगा। तो अगर वो चीज़ एनिमी के ऊपर हिट कर जाता है या फिर उसके ऊपर आग का कुछ लग जाता है तो वो जो वहाँ पर डैमेज हो जाएगा, नहीं तो वो जो एनिमी वहाँ पर किल हो जाएगा। और आप फ्लेम को तब भी यूज़ करना जब आप हाई ग्राउंड पे होते हो और एनिमी टीम वो लो ग्राउंड पे होते हैं, तब भी आप उसको यूज़ करना। और एक चीज़ गाइस, अगर फ्लेम आपके ऊपर भी लग जाता है तो गाइस आपका जो कैरेक्टर वो भी डैमेज होने लग जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो बंदा वो मतलब कि वो बोट जो वो डैमेज होता है या फिर नहीं। तो गाइस आप लोग देख सो उस बोट के ऊपर जो वो आग लग चुका है, लेकिन वो जो उतना ज़्यादा तो डैमेज नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक वो जो कैरेक्टर वो डैमेज होने लग जाएगा। जैसे गाइस आप लोग देख सो, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो नॉक होता है या फिर नहीं उस आग से। तो भाई वो बंदा तो नॉक होना चाहिए उस आग से। तो आप लोग देख सकते हो वो जो मतलब कि बोट जो वो नॉक हो चुका है। तो आप जो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप उसको उतना ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि उससे आपका मतलब कि नुकसान भी होगा। अगर आपके ऊपर आग लग जाता है तो आपका जो कैरेक्टर वो मतलब डैमेज होने लग जाएगा, लेकिन अगर एनिमी टीम के ऊपर वो आग लग जाता है तो वो एनिमी टीम जो धीरे धीरे उसका जो हेल्थ वो खत्म होने लगेगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तीसरा जो चीज़ है आपको इस मोड के अंदर देखने को मिलता है जिसका नाम है आर्टिक। तो आप जिसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो यानी कि आइस का जो वल है वो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप आर्टिक को यूज़ करना चाहते हो तो आपको जो स्पॉन आइलैंड के अंदर से वहाँ से सिलेक्ट करके आना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर कि मान लीजिए आपके सामने मतलब कि वोट वगैरह या फिर कुछ भी आ जाता है तो आप जब भी इसके ऊपर प्रेस करोगे तो आपके सामने का अलग सा एक दीवार बन जाएगा, मतलब कि आइस का दीवार बन जाएगा। और कोई भी बंदा अगर इसके ऊपर फायर करता है तो वो जो भारी गिर जाएगा आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो वो काफ़ी सही चीज़ है कि आप मतलब कि मान लीजिए कहीं पर ओपन में होते हो अगर आपके ऊपर फायर करने लग जाता है तो गाइस आप जो इस चीज़ से आप अपना कवर बना सकते हो और आप जो दूसरे एनिमी टीम से आप डिफेंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही चीज़ मुझे लगा। आप इसको कहीं पर भी ओपन में अप्लाई कर सकते हो। और इस आइस वॉल से ग्लिच वगैरह भी हो जाएगा जब भी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, उससे पहले तो ग्लिच वगैरह को शायद ही फिक्स कर देंगे। अगर नहीं फिक्स करता है तो गाइस जब ग्लोबल वर्जन या फिर जब भी जो भी वर्जन हर एक के लिए जब तक अवेलेबल हो जाएगा तब ग्लिच वगैरह से हम बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो उनके ऊपर तो बाद में वीडियोस आएगा। और इस मोड के अंदर गाइस अगर आप किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो उसके ऊपर गाइस अलग सा इफेक्ट आएगा। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं जब भी एनिमी के ऊपर फायर करो तो उसके ऊपर से मतलब कि अलग सा इफेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए गाइस आपको जो आइस वॉल के ऊपर पहले तो आपको फायर करना होगा, उसके बाद गाइस आपके सामने कोई भी बोट या फिर एनिमी टीम आता है तो उसके ऊपर आपको फायर करना होगा, तब भी वो जो इफेक्ट अलग सा आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो काफ़ी सही चीज़ें, काफ़ी सही चीज़ को लाया गया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओपन में आप उसको यूज़ कर सकते हो जब भी आप किसी भी एनिमी टीम से डिफेंड कर दो या फिर आप ओपन में हो जाते हो तो किसी भी एनिमी टीम आपके ऊपर रश कर रहा है या फिर जो भी चीज़ें, आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही इजीली। और ये जो मोड पबजी मोबाइल का जो 1.2 का जो न्यू अपडेट आने वाला है उस अपडेट के अंदर हर एक वर्जन के अंदर आ जाएगा, तो जब भी आएगा आप उसको इजीली खेल सकते हो। तो यही था वीडियो के अंदर। तो होप करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हो और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।